हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ अरुषि'स नोट्स। तो पिछले दो लेक्चर में हमने पढ़ा था रूट और स्टेम, और आज हम पढ़ेंगे लीफ। तो अगर किसी ने मेरे पिछले मतलब कि रूट और स्टेम पढ़ना है तो वो मेरी पिछली वीडियोस देख सकता है। उसमें मैंने सारा क्लियर पढ़ाया है, एनसीईआरटी से भी और रेफरेंसेस से भी आपको थोड़ा बहुत करवाया। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे लीफ। ठीक है, अगर किसी को पिछली वीडियोस में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या अगर आपको इस वीडियो में भी कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ। तो मतलब कि लीफ स्टार्ट करने से पहले जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था स्टेम, उसका भी हम थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो स्टेम में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि रूट और स्टेम में अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी हो तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो मैंने जो पॉइंट्स बताए थे सबसे पहले यही थे कि जो स्टेम होती है वो असेंडिंग पार्ट होता है ऑफ द प्लांट, असेंडिंग पोर्शन होता है, जबकि रूट जो होता है वो डिसेंडिंग पोर्शन होता है। तो स्टेम जो होता है वो असेंडिंग पोर्शन होता है, और जबकि रूट जो होता है वो डिसेंडिंग पोर्शन होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये कि जो रूट होती है वो कुछ भी बेयर नहीं करती है, मतलब कि रूट जो होती है वो ना ही लीव्स बेयर करती है, ना ही फ्लावर बेयर करती है। ठीक है, ना ही नोट्स बेयर करती है, ना फ्रूट्स, ना लीव्स, ना नोट्स। ठीक है, बट जो ये स्टेम होती है वो नोट्स भी बेयर करती है, लीव्स भी बेयर करती है, फ्रूट्स भी बेयर करती है। और जो स्टेम होती है, ठीक है, उसके रेगुलर इंटरवल पे दो रीजन्स होते हैं जिसको कहते हैं नोड, और उन दोनों रेगुलर इंटरवल्स के बीच में एक रीजन होता है जिसको कहते हैं इंटर नोड। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जैसे ये जो दो रीजन्स होंगे वो होंगे नोड, और ये बीच वाला जो रीजन होगा वो होगा इंटर नोड। ठीक है, और जो मतलब कि रूट होती है वो डिसेंडिंग पोर्शन होता है, जो स्टेम होती है वो एरियल पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है, और इसके कारण जो प्लूमेरल है एम्ब्रियो का प्रेजेंट इन जर्मिनेटिंग सीड गिव राइज टू द स्टेम। ठीक है, और जनरली जो रूट होती है वो ग्रीन इन कलर नहीं होती, और जो स्टेम होती है वो ग्रीन इन कलर होती है, बट जब वो मैच्योर हो जाती है वो डार्क ब्राउन वुडी कलर की हो जाती है। और फिर हमने पढ़ा था स्टेम में टर्मिनल बड, एक्सिलरी बड। टर्मिनल बड मैंने बताया था कि वो बट जो स्टेम की टिप पे प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं टर्मिनल बड। ठीक है, और जो उसी से ही मतलब कि स्टेम की ग्रोथ स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सिलरी बड, तो जो एंगल मतलब कि जिससे लीफ निकलेगा और उसका जो अपर वाला हिस्सा है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एक्साइल और कहते हैं एक्सिलरी बड। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे फंक्शंस में कि वो सपोर्ट करती है, पानी और वाटर मिनरल्स कंडक्ट करती है, और फूड मैन्युफैक्चर जो लीव्स में होते हैं उसको वो ट्रांसपोर्ट करती है रूट्स में, फ्रूट्स में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी मॉडिफिकेशन। अब जैसे मैंने बताया था कि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं कि जो जनरली रूट जो जनरली रूट परफॉर्म करती है, पर उसके अलावा भी रूट जो है वो कुछ ऐसे फंक्शन परफॉर्म करती हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो करने में। तो इन द सेम वे स्टेम भी कुछ ऐसे फंक्शन परफॉर्म करती है इन फंक्शनों के अलावा जो हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो करने में। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले हमारे पास आया था अंडरग्राउंड स्टेम। तो वैसे स्टेम जो एरियल पोर्शन होता है, बट कुछ प्लांट्स में जो स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड ग्रो करती है, मतलब कि अंडरग्राउंड ग्रो करेगी। ठीक है, जिसके कारण वो प्लांट को हेल्प करती है अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने की, और उसको प्रोटेक्ट भी करती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ट्यूबर, हमने पढ़े थे ट्यूबर मतलब होता है कि जो टर्मिनल पोर्शन होता है अंडरग्राउंड स्टेम का, मतलब कि ऊपर वाला हिस्सा अंडरग्राउंड स्टेम का तो होता है वो क्या होता है स्वोलन हो, तो जो टर्मिनल पोर्शन होता है अंडरग्राउंड स्टेम का वो स्वोलन होता है, तो क्योंकि उसमें फूड स्टोर होता है तो उसको कहते हैं ट्यूबर। जैसे हमने पढ़ा था पोटैटो हेलेंथ्रेस ट्यूबरोसिस, और उसका कॉमन नेम है जेरुसलेम आर्टीचोक। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था बल्ब मतलब कि जो उसमें क्या होता है कि स्टेम रिड्यूस्ड हो जाती है और डिस्क शेप में कन्वर्ट हो जाती है, और जो बड होती है वो बहुत ज़्यादा लेकिन स्केली लीव से सराउंडेड होती है। ठीक है, और इसके एग्जांपल थे ऑनियन, लिली, गार्लिक। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था आपके पास टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या होते हैं कि जैसे ग्रेप वाइन है या कोई भी और प्लांट है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे आप किसी भी प्लांट को कोई सहारा दे दो तो वो ग्रो करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही टेंड्रिल भी सेम होता है कि अगर आप किसी भी
प्लांट को सहारा दे दो कि जो एक्जिलरी बर्ड होती है ना वो स्टेम में मॉडिफाई होती है टेंडर बनाने के लिए। अगर आप उसको सहारा दे दोगे तो वो स्पाइरली कॉइल करेगी और प्लांट को मदद करेगी आगे ग्रो करने में, ठीक है। फिर उसके बाद था थॉर्न, तो कुछ एनिमल्स कुछ प्लांट्स में जो उनकी जो स्टेम होती है वो मॉडिफाइड होती है स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे कहते हैं थॉर्न, जो हेल्प करती है प्लांट को प्रोटेक्ट करने में ताकि जो बाकी जानवर हैं वो खा ना सकें, ठीक है। उसके बाद था ऑफसेट्स, इकाइनिया पिस्टिया, एक जो इकाइना और पिस्टिया होते हैं उनके अंदर लेटरल ब्रांचेज होती हैं जो शॉर्ट इंटरनोड्स बेयर करती हैं, तो उन लेटरल ब्रांचेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो दो नोड्स के बीच में वो कम हो जाएगा, मतलब कि जो इकाइनिया एंड पिस्टिया होती हैं उनके जो हर एक नोड होती है वो एक रोजेट ऑफ लीव्स या टफ्ट ऑफ रूट्स करती हैं, ठीक है। ये वाला मैंने आपको बताया ये, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सकर, तो बनाना और पाइन एप्पल में जो लेटरल ब्रांचेज होती हैं वो बेसल और अंडरग्राउंड पोर्शन से अराइज करती हैं, ठीक है। एंड दे ग्रो बिलो द सर्फेस ऑफ द सॉइल टू सम डिस्टेंस एंड इमर्जेड आउट ऑब्लीकली टू फॉर्म द एरियल शूट। उसके बाद रनर्स था जिसमें था ग्रासेस, और फिर उसके बाद स्टोलन, और फिर एरियल स्टेम। एरियल स्टेम होता है कि प्लांट्स जो एरिड रीजन में प्रेजेंट होते हैं वो अपनी स्टेम को मॉडिफाई कर लेते हैं, मतलब कि वो प्लांट जो एरिड रीजन में होते हैं वो अपनी स्टेम को मॉडिफाई कर लेते हैं फ्लैटन और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं फाइलोक्लोड। ये मैंने पिछली बार नहीं बताया था, मैं इस बार बता रही हूँ कि जो प्लांट कुछ रीजन्स में एरिड रीजन में जो प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट जो एरिड रीजन में प्रेजेंट होते हैं वो क्या कर लेते हैं अपनी स्टेम, उनकी जो स्टेम होती है वो फ्लैट हो जाती है या फ्लैट हो जाती है सिलेंड्रिकल हो जाती है, तो उसको कहते हैं फाइलोक्लोड। और ये ग्रीन इन कलर होते हैं क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड दीज आर ग्रीन स्टेम्स हैव अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है, और ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसका। तो मतलब कि इसमें हमने बस यही पढ़ा था, बेसिकली स्टेम, टर्मिनल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, फंक्शंस, उसकी मॉडिफिकेशन, थॉर्न, टेंड्रिल, स्टोलन, ऑफसेट, सकर, ठीक है, एंड फैलोक्लोड, क्योंकि वही था कि उसमें स्टेम जो होते हैं वो फ्लैटेंड होते हैं सिलेंड्रिकल डिसशेप्ड होता है, तो उसके होते हैं फैलोक्लोड, ग्रीन कलर होते हैं और फोटोसेंसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और एक बेसिकली ये बहुत बड़ा जिसे कहते हो ना ये डिफरेंस है सारा, इसके अंदर सारी चीज़ें बताई हैं सारी की सारी, तो अगर किसी ने लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके अंदर था जैसे राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम डिवेल्व होती है, ठीक है, बल्ब में स्टेम डिसलाइक हो जाती है, ट्यूबर में स्टेम वेल डिवेल्व होती है, ठीक है, और मतलब कि राइजोम में ब्रांच होती है और उसमें अनब्रांच होती है, ट्यूबर में भी अनब्रांच होती है ऐसे, ठीक है। तो इतना ही काम था पिछली वीडियो का, और अब हम शुरू कर रहे हैं लीफ, ठीक है। तो लीफ बेसिकली क्या होता है, लीफ, द लीफ इज अ लेटरल जर्नली, हाँ, लीफ इज अ लेटरल जर्नली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो स्टेम में बॉर्न होता है, तो मतलब कि स्टेम के ऊपर ही, मैंने पिछले बताया कि एक्सिलरी बर्ड होती है कि जो लीफ और ऊपर हिस्से के स्टेम पे जो एंगल बनता है उसको एक्सिलरी बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड। तो लीफ क्या होगा, वो हिस्सा जो स्टेम से ग्रो करेगा, ठीक है, एंड ये कहाँ पे डिवेलप होता है, नोड, एंड बर्ड बेयर करता है उसके एक्सियल पे, ठीक है। इट डिवेलप्स फ्रॉम द नोड एंड बेयर बर्ड एट इट्स एक्सियल, मतलब कि ये नोड से डिवेलप करेगा और एक्सियल पे बर्ड मतलब कि बेयर करेगा, जैसे एक्सिलरी बर्ड थी ना कि नोड से डिवेलप होगा और उसके एक्सियल पे क्या आगी बर्ड, तो वो जो एंगल है मतलब कि लीफ जहाँ से ग्रो करेगा और जो इंटरनोड ऊपर जो जहाँ से लीफ ग्रो करेगा और उसका ऊपर वाला हिस्सा उसको एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं ना, तो उसने कहा कि लीफ मतलब कि नोड से ही ग्रो करेगा, तो जो लीफ नोड से ग्रो करेगा वो एक बर्ड बेयर करेगा, ठीक है, उसकी एक्सिल पोजिशन में, मतलब कि जैसे ये देखिए ये नोड ये इंटरनोड, ये यहाँ से जो है वो लीफ ग्रो करेगा और इसकी एग्जाइट पोजीशन यहाँ पे जो है वो बर्ड होगी, ठीक है। ये देखिए ये नोड बीच में इंटरनोड, नोड से निकला लीफ और इसकी एग्जाइल, ये एंगल एक्सिलरी बर्ड का एंगल था, तो यहाँ पे एक बर्ड ग्रो करेगी, ठीक है। और मतलब कि
और ये ओरिजिनेट होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम से और एक्रोपेटल अरेंजमेंट में फॉर्म होती है, ठीक है। इट इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? शूट एपिकल मेरिस्टेम में, और अरेंज किस में होती है? एक्रोपेटल ऑर्डर में जो है ये अरेंज होंगी। एंड लीव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया? तो मतलब ये लीफ का ही पार्ट था, लीफ में कि वो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है जो स्टेम में होता है, एंड इट ओरिजिनेट फ्रॉम द बड, और एक बेयर बड करता है जो एक्सिलरी होती है, ठीक है। एंड ये ओरिजिनेट किससे होती है? एपिकल मेरिस्टेम से, मतलब कि एपिकल मतलब कि ऊपर वाला पोर्शन मेरिस्टेम है, वो वाले सेल होते हैं जो डिवाइड करते हैं, इनके पास कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की, ठीक है। और कौन से ऑर्डर में होती है? एक्रोपेटल ऑर्डर में, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द लीफ। उस सबसे पहले आता है पार्ट्स ऑफ द लीव्स, ठीक है। तो टिपिकल हाँ मेन पार्ट्स होते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले आएगा तो एक लीफ के जो होते हैं वो तीन पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, पिटियोल, लेमिना। लीफ बेस, पिटियोल, लेमिना, और लेमिना को हम बोलते हैं लीफ ब्लेड। लीफ बेस, पिटियोल और लेमिना या लीफ ब्लेड। तो लीफ बेस सबसे होता है लोअर मोस्ट पोर्शन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरी ना एक पिक्चर है, ये वाला जो पोर्शन होगा ये लीफ बेस या हाइपोपोडियम, तो इसको हम बोलते हैं लीफ बेस। ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये जो इतना इतना वाला हिस्सा होगा उसको बोलेंगे लीफ बेस या हाइपोपोडियम। लीफ बेस या हाइपोपोडियम, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक बुक है मेरे पास, वो देख के इसके अंदर भी देखा जाएगा। ये देखो, ये लीफ बेस, ये हाइपोपोडियम, लीफ बेस या हाइपोपोडियम, ठीक है। तो जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द लीफ, जिससे लीफ जो होता है वो अटैच होता है, उसको बोलते हैं लीफ बेस। मतलब कि लीफ का जो लोअर हिस्सा जहाँ से लीफ अटैच होता है, जहाँ से लीफ अटैच होता है, और वो वाला हिस्सा जो नोड के साथ भी जुड़ा होता है, ठीक है, ऑफ द स्टेम, उसे कहते हैं लीफ बेस, ठीक है। अब लीफ बेस मतलब कि ये वाला हिस्सा, तो यहाँ से लीफ भी अराइज हो रहा है और ये हिस्सा जो है नोड की स्टेम के साथ भी जुड़ा होगा, तो इसको बोलेंगे लीफ बेस या हाइपोपोडियम। लीफ बेस या हाइपोपोडियम, ठीक है। लीफ जो है वो बेयर करता है दो लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं स्टिपियूल। तो लीफ बेयर करेगा दो लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको बोलेंगे स्टिपियूल्स, ठीक है। तो ये देखें, ये एक्सिलरी बड, ये देखें ये स्टिपियूल्स है, ऐसे है ना, ये स्टिपियूल्स हैं, हाँ यूजली, हाँ। और ये देखो यहाँ पे भी है वैसे क्लियर ज़्यादा उसमें, तो ये देखो ये स्टिप्यूल, ये ठीक है। तो लीफ क्या करता है? लीफ बेस बेयर करता है लीफ लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं स्टिप्यूल्स, ठीक है। तो मोनोकॉर्ड्स में लीफ बेस, मोनोकॉर्ड्स मैंने आपको पहले बताया था, मतलब कि सिंगल सीड है ना, तो मोनोकॉर्ड्स में क्या होता है कि जो लीफ बेस होता है वो एक्सपैंड कर जाता है और एक कवरिंग बनाता है, और वो उस कवरिंग से पूरे स्टेम को कवर करेगा या पार्शियली कवर करेगा, ठीक है। मोनोकॉर्ड्स में जो लीफ होता है, लीफ बेस मतलब कि ये वाला जो हिस्सा, ये लीफ बेस मतलब कि ये लोअर वाला हिस्सा लीफ बेस, ये एक्सपैंड कर जाता है और एक कवरिंग बना लेता है जो पूरी स्टेम को पार्शियली या होल कवर करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ लेग्यूमिनियस प्लांट्स में लीफ बेस क्या होता है? स्वेल कर जाता है। लेग्यूमिनियस प्लांट मतलब कि दालें वगैरह वाला जो प्लांट होगा ना, उसको बोलेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? उसमें जो लीफ बेस होगा वो स्वेल कर जाएगा, जिसको बोलते हैं पल्विनस। क्या बोलते हैं? पल्विनस बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब कि यूजली इट प्रोटेक्ट स्मॉल बर्ड एट इट्स एक्सल। अब ये हेल्प क्या करता है? ये स्मॉल बर्ड को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पिटियोल। मैंने क्या बताया था? लीफ बेस, पिटियोल, लेमिना। पिटियोल क्या होता है कि जो सिलेंड्रिकल स्टॉक होगी जो ज्वाइन करेगी लीफ बेस को विद द लीफ ब्लेड, ठीक है, उसे कहते हैं पिटियोल। मतलब कि वो सिलेंड्रिकल स्टॉक जो ज्वाइन करेगी लीफ बेस को लीफ ब्लेड के साथ, ठीक है, उसको बोलेंगे पिटियोल। ये देखो, ये हमारे पास लीफ बेस आ गया, ये पूरा लीफ ब्लेड आ गया, ये पिटियोल आ गया,
समझ रहे हाँ, तो वो सिलिंड्रिकल स्टॉक जो ज्वाइन करेगी लीफ बेस को लीफ ब्लेड के साथ, उसे कहेंगे पेटीओल। और ये अब इसके फंक्शन क्या है कि ये लीफ ब्लेड को ऊपर रखती है अबव द लेवल ऑफ द स्टेम, ताकि एक सफिशिएंट लाइट मिल सके। ये लीफ ब्लेड को ऊपर रखती है अबव द स्टेम ताकि उसको सफिशिएंट लाइट मिल सके। और जो लॉन्ग हमारे पास लॉन्ग थिन सिलिंड्रिकल फ्लेक्सिबल पेटियोल क्या करेगा, वो भी हेल्प करेगा लीफ को फ्लटर करने का। फ्लटर के मतलब कि हिलाने का विंड में, तो जिसके कारण लीफ या प्लांट्स हैं उनको एक कूलिंग इफेक्ट आए और उससे के उसकी मदद से उसके पास फ्रेश एयर आए लीफ सरफेस से। ठीक है, तो मैं फिर से बता रही हूँ पेटियोल क्या होता है। सिलिंड्रिकल स्टॉक होती है जो ज्वाइन करती है लीफ बेस को विद द लीफ ब्लेड। ठीक है, एंड ये जो होता है और इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन कि ये लीफ बेस को पकड़ के रखता है ताकि लीफ बेस के पास सफिशिएंट लाइट पहुंच सके। और ये हेल्प करता है लीफ को फ्लटर करने में ताकि उसको कूलिंग इफेक्ट पहुंचे और उसके पास फ्रेश एयर पहुंचे। ठीक है, और ये लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद होता है लेमिना या लीफ ब्लेड। तो ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ का। ठीक है, लीफ ब्लेड ये ग्रीन एक्सपेंडेड पोर्शन होता है। ये देखो, ये पूरा जो है, मतलब कि ये पूरा जो पोर्शन है ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, लीफ ब्लेड। ठीक है, लीफ ब्लेड है ये पूरा पोर्शन। तो जो लीफ ब्लेड होता है वो सपोर्टेड होता है बाय द वेन्स एंड वेन लाइन। जो प्रोमिनेंट वेन होती है मिडल में, उसको कहते हैं मिड रिब। ठीक है, ये जो वेन होती है वो क्या करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है लीफ ब्लेड को। एंड ऑल्सो एक्ट अ चैनल वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मिनरल्स करने के लिए एंड फूड मटेरियल का। तो ये जो मिड रिब होगी, ये बीच वाली मिड रिब, ठीक है, ये क्या करेगी, ये मतलब जो बीच वाली मिड रिब है ये रिजिडिटी, स्ट्रेंथ और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो लीफ बेस में बहुत सारी वेन एंड वेलेंट्स होती है, पर जो एक मिडल वाली होती है उसको हम मिड रिब बोलते हैं। एंड ये ट्रांसपोर्टेशन मदद करती है, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। ठीक है, एंड जो शेप और मार्जिन है या जो ये पूरा सरफेस है वो डिफरेंट है, वेरी डिफरेंट करता है हर एक लीफ में। ठीक है, तो लीफ मैंने बताया कि लीफ इज लेटरली जनरली फ्लैटन स्ट्रक्चर जो स्टेम में बॉर्न होता है। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नोड एंड इट बियर्स अ बड एट इट्स एक्सियल पोजीशन एंड इट इज़ अ एपिकल मेरिस्टेम। और ये कैसे अरेंज होता है, एक्रोपेटल मैनर में। ठीक है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं जिसमें था लीफ बेस, पेटियोल, लीफ लेमिना। तो जो लीफ बेस होता है वो निचला वाला पोर्शन होता है जहाँ से मतलब कि लीफ शुरू हो गया, वो हेल्प करता है नोड से, नोड जो स्टेम की नोड है उसको ज्वाइन करने में भी मदद करता है। ठीक है, और उसके पास फर्दर लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कहते हैं स्टिप्यूल्स। और मोनोकॉट्स में जो लीफ बेस होता है वो पूरा एक्सपैंड करेगा पार्शियली या होली और उसको कवर करेगा स्टेम को। और लेग्यूमिनियस प्लांट में लीफ बेस होल्डन होता है। उसके बाद आता है पेटियोल। तो जो सिलिंड्रिकल स्टॉक होती है जो ज्वाइन करती है लीफ बेस विद द लीफ ब्लेड, उसे कहते हैं पेटियोल। और ये क्या करती है, लीफ को एकदम ऊपर रखती है ताकि लाइट उसके पास आ सके, फ्लटर विंड जब हवा चलती है उसको हिलाने में मदद करती है ताकि उसके पास फ्रेश एयर जा सके और एक कूलिंग इफेक्ट हो। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है लेमिना या लीफ बेस। ये ग्रीन एक्सपेंडेड पोर्शन होता है, इसके अंदर बहुत सारी वेन है, वेनलेट्स होती हैं, बट एक होती है मिड रिब जो रिजिडिटी, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है और ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। उसके बाद होता है विनेशन। तो आज हम सिर्फ विनेशन तक ही करेंगे। ठीक है, मॉडिफिकेशंस हम अगली क्लास में कर लेंगे और उसके साथ थोड़ा इन्फ्लोरेसेंस भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है। ठीक है, उसके बाद आता है विनेशंस। तो विनेशंस का मतलब होता है, एक सेकेंड में एनसीईआरटी से भी देख लूँ सारा। हाँ, टिपिकल थ्री मेन पार्ट्स, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम, लीफ बेस से दो लेटरल स्टिप्यूल्स। हाँ, एक्सपेंडेड शीथ लीफ बेस, उसे कहते हैं पल्विनस, उसको होल्ड करने में मदद करेगा कूलिंग इफेक्ट एंड हाँ रिजिडिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। तो सारा वर्ड टू वर्ड मैंने एनसीईआरटी आपको करवा दिया। उसके बाद आता है विनेशन। विनेशन का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लीफ, उसको कहते हैं विनेशन। द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स और लीफ ब्लेड, द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लेमिना या लीफ ब्लेड, सॉरी मैंने लीफ कहा था, द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लेमिना, द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लेमिना और लीफ ब्लेड, उसको कहते हैं विनेशन। ठीक है, और ये हमें पैटर्न बताती है कि किसमें जो होती है वो मतलब कि जो वेन एंड वेन्स वेनलेट्स हैं कैसे अरेंज हैं। ठीक है, तो उसमें भी यही है। तो वो
हाँ, अब उसके बाद हमारे पास दो तरह की विनेशन होती है। सबसे पहले होता है रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन का मतलब होता है, रेटिकुलेट विनेशन दो तरह की होती है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल विनेशन। विनेशन हमारे पास दो तरह की होती है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन का मतलब होता है कि जब वेन एंड वेनलेट जो है वो एक नेटवर्क बनाती हैं, जब वेन एंड वेनलेट जो है वो एक नेटवर्क बनाती हैं तो उसको कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन, और ये डाइकॉट्स में होता है, जैसे पीपल, हिबिस्कस, लूफा। ठीक है, और अगर मेरे पास इसकी फ़ोटो होगी तो मैं बताऊंगी। हाँ है शायद, अगर आपको दिख रही है शायद, या यार ये देखो, ये वाला जो हिस्सा ना, ये वाला लीफ, आप इसमें देख सकते हो, मैं और जूम कर देती हूँ, तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें एक किस्म का नेटवर्क है ना। मे भी शायद क्लियर नहीं होगा, तो मैंने ये ऐप से निकाल लिया है, बट आप देख सकते हो कि इसमें जो है वो एक नेटवर्क क्रिएट हुआ है, तो उसको कहेंगे रेटिकुलेट विनेशन। अब इसमें आप देखो कि वो पैरेलल है, मतलब कि पैरेलल लाइंस जा रही हैं, तो उसको कहेंगे पैरेलल विनेशन। जैसे आप ये देखो, जैसे देखो इन सब में, इन तीनों प्लांट्स में, इन तीनों में आपको देख रहे हो कि वेन एंड वेनेंस का क्या है, नेटवर्क है, तो उसको क्या बोल देंगे, रेटिकुलेट विनेशन। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे ये आपके पास आ गया लीफ, ठीक है, ठीक है, ये देखो, जैसे इसमें ना ये वाला लीफ मैंने ड्रॉ किया, इसमें आप देख सकते हो कि रेटिकुलेट विनेशन है ना, कि नेटवर्क है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो सॉरी उसके लिए, ठीक है, तो इसमें मतलब कि नेटवर्क है। और पैरेलल विनेशन होगा, मतलब कि पैरेलल रन करी हैं, वो पैरेलल रन करी हैं टू ईच अदर लेमिना के अंदर, ठीक है, और ये जनरली मोनोकॉट्स में होता है। जैसे ये देखो, ये वाला देख सकते हो, ये पैरेलल है ना, तो वो होगा। उसके बाद रेटिकुलेट विनेशन भी होगी, ठीक है, फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लीफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ लीफ में आता है, लीफ इज सेड टू बी सिंपल जब लेमिना जो होता है इज एंटायर, और व्हेन इनसेंसिड द इनसेंशन डू नॉट टच द मिडरिब, द इनसेंशन ऑफ द लेमिना रीच अप टू द ब्रेकिंग। हाँ ओके, सो एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड। तो टाइप्स ऑफ लीफ हमारे पास दो तरीके के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल लीफ होगा कि जब उसकी जो मिडरिब है वो डिवाइडेड नहीं है, वो एक ही है, सिंगल एक है, और वो ही पूरी एक, मतलब कि सिंगल मिडरिब है। उसमें कहा है कि जब इंसेंशन ऑफ द लेमिना रीच व्हेन इट्स लेमिना इज एंटायर व्हेन इंसेंशन, हाँ मतलब कि वो सिंगल ही है, मतलब कि एक एक से ही फर्दर सारी ब्रांचेस निकल रही है, तो उसको कहते हैं सिंपल। मतलब कि सिंपल वो होगा जिसमें लीफ बेस डिवाइडेड नहीं है, मतलब कि लीफ जो हमारे पास ब्लेड है, सॉरी लीफ ब्लेड डिवाइडेड नहीं है, मतलब कि जो इंसेंशन हैं वो मिडरिब को टच नहीं कर रहे। इसमें आपके पास जो लीफ बेस है, इसमें या इसमें या इसमें, ये डिवाइडेड नहीं है, मतलब कि जो उसकी डिवीजन्स हैं वो टच नहीं कर रहे मिडरिब को, तो उसको कहेंगे सिंपल, ठीक है। और कंपाउंड लीफ होगा जिसमें वो जो लीफ बेस है या जो लीफ लेमिना है, लीफ लेमिना या लीफ ब्लेड वो कम्प्लीटली ब्रोक डाउन है डिफरेंट लीव्स में, मतलब कि जिसमें कंपाउंड में होगा कि जो लीफ बेस उनका जो है वो कम्प्लीटली डिवाइडेड है या डिफरेंशिएटेड है डिफरेंट लीव्स में, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड लीव्स, ठीक है। जैसे ये दोनों जो हैं, ये दोनों वो कंपाउंड की हैं, मतलब कि इसमें आप देखोगे कि मिडरिब और उसके फर्दर आगे ब्रांचेस निकल रही हैं, बट आप इसमें देख सकते हो कि इसमें सिर्फ एक ही लीफ है, पूरा एक ही लीफ है ना, पर ये जो मतलब कि कंपाउंड है इसमें एक मेन मिडरिब है और उसके आगे फर्दर जो है वो ब्रांचेस हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है कंपाउंड। कंपाउंड दो तरीके का होता है, पिनेटली एंड पाम मेटली कंपाउंड लीफ। पिनेट होगा कि जिसमें एक कॉमन एक्सेस, एक ही एक्सेस बनेगी, जिसमें कि मिडरिब जो है वो एक ही एक्सेस बनाती है, जिसको कहते हैं रैचेस, और डिफरेंट जो होते हैं वो लीफ और उसके प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये वाला देख सकते हो कि इसमें एक ही मिडरिब है और इसके आगे फर्दर डिफरेंट लीव्स अटैच्ड हैं, तो ये होगा
पिनेट और पाम होता है, मतलब कि एक पाम की तरह, जैसे हमारा पाम है यहाँ से फाइव फिंगर्स निकल रही हैं, मतलब कि ये जैसे एक पाम है यहाँ से पूरी फाइव फिंगर्स निकल रही हैं अलग अलग, तो वैसे ही पाम में होगा कि उसमें मिडरिब ही डिवाइडेड है और डिफरेंट लीव्स में एक मिडरिब है वो फर्दर डिफरेंट डिफरेंट मिडरिब में डिवाइडेड है और वहाँ से जो है लीव्स निकल रहे हैं। तो पाम होगा कि लीफलेस आर अटैच्ड टू द कॉमन पॉइंट। पाम हेड में क्या होगा कि जो लीफलेट होते हैं वो एक ही पॉइंट से अटैच होते हैं, टिप ऑफ पिटियोल, और जो टिप है पिटियोल की वो सारा बंच क्लस्टर का क्लस्टर बेयर करते हैं। जैसे अगर इसमें मैं आपको बताऊं तो ये आपका लीफ बेस है, ये पिटियोल होगा है ना, उसके बाद ये पूरा लीफ बेस होगा है ना, लीफ लैमिना होगा, सॉरी ये लीफ बेस है, नीचे वाला पोर्शन ये पिटियोल है और वो पूरा लीफ लैमिना है। तो उसमें मतलब कि सारे जो लीफलेट हैं छोटे छोटे वो एक ही पॉइंट पर अटैच हैं, तो उसको बोलते हैं पाम। जैसे हमारा एक हाथ है, ये सारी फाइव फिंगर्स एक ही पॉइंट पर अटैच है ना, तो ऐसे है, ठीक है। और उसके बाद फिर फर्दर आता है टाइप्स, तो पिनेट पिनेट और पामेट। तो पिनेट होता है यूनिपिनेट, बाईपिनेट, ट्राई एंड फिर फर्दर। यूनि होता है कि जिसमें मैनी मिडरिप ऑफ द लीफ डायरेक्टली बेयर द लीफलेट, मतलब कि मिडरिप ऑफ द लीफ डायरेक्टली बेयर द लीफलेट, ठीक है। जैसे ये वाला एक ही मिडरिप है ना, मतलब कि मिडरिब एक ही और उसके आगे फर्दर लीव्स कनेक्टेड हैं, तो उसको कहेंगे यूनिपिनेट, ठीक है। एंड ऐसे लीफ को कहते हैं पेरीपिनेट, जिसमें टर्मिनल लीफलेट जो होती है वो एब्सेंट होती है। इसका एग्जांपल है केसिया और टैमरिंडस रोज़ा। और बाईपिनेट होते हैं कि मिडरिब जो मेन है वो आगे फर्दर सेकेंडरी एक्सेस होगी, जो फिर आगे फर्दर लीफलेट्स बेयर करेगी। जैसे ये आपके पास है सेकेंडरी, जैसे ये एक पूरी मिडरिब है, उसके आगे फर्दर दो लीव्स हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल है मिमोसा एंड डेलोक्सिना। और ट्राई में कि तीन एक्सेस, मतलब कि ये वाली ये सेकेंडरी थी, ये टर्शरी है कि ये मिडरिब ये और फिर उसके आगे फर्दर, ठीक है। और फिर आते हैं डी कंपाउंड, कि रैचेस होते हैं डिवाइड ही करी जा रहे हैं, कोई उसमें एक पैटर्न नहीं है, ठीक है, विदाउट एनी पैटर्न। उसके बाद होता है पाम, पाम में भी यूनिफोलेट, बाईफोलेट, ट्राईफोलेट, क्वाड्री एंड मल्टीफोलेट, ठीक है। ओके, सिंपल कंपाउंड हो गया, बहुत सिंपल एंड कंपाउंड, बट इन द एक्सेल ऑफ द लीफलेट्स ऑफ द बट इज प्रेजेंट द एक्सेल ऑफ द पिटियोल। द कंपाउंड इज में भी टू टाइप्स पिनेट, नंबर ऑफ ने प्रेजेंट कॉमन, जहाँ पे वो मिडरिब रिप्रेजेंट करेगा, और उसके बाद पाम में कॉमन पॉइंट। तो अब तक के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आज हमने पढ़ा लीव्स, लीव्स मतलब कि लेटरल फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है जो स्टेम में बॉर्न होता है, ठीक है। एंड इट डिवेल्प्स एट द नोड एंड बेयर अ बड एट इट्स एक्सियल पोजीशन, एपिकल मेरिस्टेम से ग्रो करेगा और एक्रोपेटल अरेंजमेंट में होगा। लीफ बेस पेटियोल लैमिना, लीफ बेस लोअर पोर्शन होता है, ठीक है, जहाँ से मतलब कि वो स्टेम के साथ जुड़ा होगा। और उसके पास स्मॉल लेटरल लीफलेट स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कहते हैं स्टेप्यूल्स, एंड मतलब कि कुछ मोनोकॉट में वो एक्सपैंड करेगा पूरा स्टेम को कवर करने के लिए, और लेग्यूमिनियस में वो स्वॉलन होता है। उसके बाद होता है पिटियोल, जो सिलिंड्रिकल पोर्शन होगा जो लीफ बेस को लैमिना के साथ ज्वाइन करेगा, उसको कहते हैं पिटियोल। और ये लीफ को ऊपर रखते हैं ताकि उसको सफिशेंट लाइट मिल सके, और मतलब कि फ्लटर भी करता है जब मतलब कि हवा चलती है तो उसको हिलाता भी है ताकि कूलिंग इफेक्ट आए, फ्रेश एयर पहुँचे, और लीफ बेस लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड एक्सपेंडेड ग्रीन पोर्शन होता है, एंड ये वेन एंड वेन से सपोर्टेड होता है, और जो मेन वेन होती है उसको कहते हैं मिडरिब। ये रिजिडिटी स्ट्रेंथ ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है और वो डिफरेंट रहती है। उसके बाद होता है वेनेशन, क्या होती है द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन लैमिना, उसको बोलते हैं वेनेशन। तो हमारे पास रेटिकुलेट, पैलर, रेटिकुलेट होगा कि जहाँ पे नेटवर्क होगा वेन्स का उसको रेटिकुलेट बोलेंगे, और पैलर होगा कि वो पैरेलली रन करेंगे, तो पैलर होंगे। उसके बाद टाइप ऑफ लीफ में सिंपल एंड कंपाउंड, सिंपल होगा कि जिसमें लीफ ब्लेड जो है वो डिवाइडेड नहीं है, ठीक है, एंड कंपाउंड होगा कि जिसमें लीफ प्लेट जो है वो कम्प्लीटली डिवाइडेड है दो डिस्टिंक्ट लीव्स में। और कंपाउंड लीव्स दो तरह के होते हैं, पिनेट एंड पाम
पाम इडली जो पिनेट होगा, मतलब कि एक मेन मिडरिब है और उसके फर्दर आगे फिर लीव्स आ रही हैं, ठीक है, जिसमें होता है यूनि बाई ट्राई डी कंपाउंड। यूनि पिनेट होगा कि एक ही मेन मिडरिब है और वही फर्दर आगे लीव्स बेयर करेगी, और बाई पिनेट में मतलब कि मेन मिडरिब है और उसके आगे फर्दर सेकेंडरी मिडरिब्स आ रही हैं। टर्शरी में तीन, ये मेन मिडरिब, ये और फिर उसके आगे फर्दर। और पाम होगा कि मतलब कि डिफरेंट लीफलेट्स एक ही पिटियोल से जुड़ी हुई हैं, जस्ट लाइक अ पाम, मतलब कि एक ही पिटियोल के टिप के पिटियोल से जुड़ी हुई हैं, जैसे ये विस पिटियोल और ये पूरा लीफ है, तो ये यहाँ पे इकट्ठी जुड़ी हुई हैं। और ये भी इस तरीके की होती हैं, यूनिफॉयलेट बाई ट्राई क्वाड्री और मल्टीफॉयलेट। सो एट द लास्ट आई वॉन्ट टू से डैट प्लीज़ टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिज़ नोट्स। आई होप आपको इस वीडियो से में कुछ भी अगर अच्छा लगा हो या आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको मेरी पिछली वीडियो से या इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको आंसर करने की। थैंक यू।